जैसे फीवर है, गला खराब होना है, जुकाम होना है, बॉडी पेन्स हैं, मसल पेन्स हैं, थकावट है, ये तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन अभी ना कुछ हमने ऐसे नोटिस किया है कि बहुत सारे पेशेंट और सिम्टम के साथ भी आ रहे हैं। जैसे बहुत कॉमनली पेशेंट मेरे को कॉल कर रहे हैं कि सर हमें तो ना बहुत दिनों से दस्त लग गई है, टट्टी बार बार आ रही है, या पेट में दर्द हो रहा है। तो ये भी एक बहुत कॉमन वाला नया सिम्टम हमने देखा है। दूसरा जो हरारत वाली एक जो सिम्टम होता है कि हमारा शरीर टूटा जा रहा है, हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल भी, वो एक नया सिम्टम आया है। और एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पिछली बार जो हमने कोविड में देखा था, तो ज़्यादातर जो पेशेंट थे उनके जो फीवर और सांस की दिक्कतें या और जो कई सारी दिक्कतें थी, वो 5 से 7 दिन में ज़्यादातर ठीक हो जाते थे। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो बुखार है वो चलता रहता है, चलता रहता है, और ज़्यादातर मरीजों को ये करीबन 10 दिन तक चल रहा है। तो ये कुछ चेंजेज हैं। दूसरा, आपने कहा कि कुछ और जो लक्षण हैं, तो उसमें हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि किसी भी तरह से कोविड प्रेजेंट कर सकता है। तो उसमें मेरी सलाह यही है डॉक्टर से भी और पेशेंट से भी कि कुछ भी नया होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं ये कोविड की वजह से तो नहीं है। तो इसमें जैसे कई लोग हार्ट अटैक के साथ आए हैं, कई लोग स्ट्रोक के साथ आए हैं, कई लोग सिंपल वॉमिटिंग के साथ आए हैं, तो ये हमें नहीं पता। मतलब कुछ भी हो तो हमें सबसे पहले यही सोचना है कि कहीं ये कोविड तो नहीं है। आप मतलब हैरान होंगे ये जान के कि कई बार तो सिर्फ आंखों की लाली होना, ऐसे हमें लगता है कि नहीं, वैसे ही कोई कंजक्टिवाइटिस हो गई होगी, कोई एलर्जी होगी, बट बहुत सारे केसेस कोविड की वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी सिम्टम, हम अभी तो यही बोल रहे हैं कि कुछ भी नया होता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये कोविड की वजह से तो नहीं है। वो डॉक्टर जिसके जिस डॉक्टर के पास वो जा रही हैं, उनको भी अपना थ्रेशोल्ड बहुत ही कम रखना चाहिए ये सोचने के लिए कि जो ये मरीज आया है इसको कहीं कोविड तो नहीं है, और उसका टाइम से टेस्ट करके हमें अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल उसको फॉलो करना चाहिए।